Hello everyone, how are you all? I hope you are watching our videos and learning. Keep watching, we'll be providing you every day one video and that will be like your class only. हर दिन हम आपको एक वीडियो दे रहे हैं और देते रहेंगे, जैसे कि नॉर्मली क्लास होती है वैसी क्लास की तरह आप इसे लें तब आप सीख पाएंगे। तो उसी कंटिन्यूशन में अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम वी हैव लर्न्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज ये पास्ट ग्रुप का लास्ट टेंस है और इसके बाद हम फ्यूचर ग्रुप में आ जाएंगे। सो लेट्स सी व्हाट आर द चेंजेस वी हैव टू टेक एंड वी हैव टू डू फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट एट थ्री स्टेप्स, और इन थ्री स्टेप्स यू कैन से वी कैन चेंज होल थिंग्स। हाउ इट इज जस्ट सी हियर, फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट इफ यू वॉन्ट टू चेंज एनी थिंग वर्फ फर्स्ट फॉर्म और वर्फ फर्स्ट फॉर्म ऐसी है शिफ्ट टू सेकेंड फॉर्म। सो दिस इज प्रेजेंट सिंपल एंड देन इट बिकम्स पास्ट सिंपल। नाउ बी फॉर्म, ओनली बी फॉर्म इफ यू शिफ्ट दैट बी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म इज इज आर एम आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, Been is the second form, but when we transform it becomes watch verb. So generally what you have to remember, आपको कितना याद रखना है कि इज आर एम से watch verb, इतना ही याद रखना है, that's it, ing इसमें जुड़ जाएगा। इसी से continuity बनाई हम लोगों ने कि इस be form में हम लोगों ने क्या जोड़ दिया था, ing, और यहाँ पे भी क्या जोड़ दिया था, ing। तो कितने formation हो गई, present का हो गया दोनों side का, present simple का हो गया, past simple का हो गया, बी फॉर्म प्रेजेंट का हो गया, बी फॉर्म पास्ट का हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाने के लिए यहाँ पे आई एन जी जोड़ देंगे और यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस बनाने के लिए आई एन जी जोड़ देंगे। देन वी हैव सीन हैज़ हैव शिफ्ट्स टू हैड, हैज़ हैव थर्ड फॉर्म अगर मैं कर देता हूँ तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, और हैड प्लस थर्ड फॉर्म कर देता हूँ तो ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। और आज अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर मैं बीन जोड़ने वाला हूँ और आई एन जी जोड़ने वाला हूँ तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं। और यहाँ पे अगर मैं अब वापस बीन जोड़ के और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लेता हूँ तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो इन थ्री स्टेप्स, ओनली इन थ्री स्टेप्स वी कैन शिफ्ट फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट। अगर आप ऐसे याद रखते हैं तभी आपको याद रहने वाला है, इन डिटेल वी डोंट रिमेम्बर वंस वी स्टार्ट राइटिंग और स्पीकिंग। इन बिगिनिंग वी हैव टू लर्न एवरीथिंग इन डिटेल, लेकिन बाद में धीमे धीमे वो सारी चीज़ों को छोड़ते हुए जो कंक्रीट चीज़ बच जाती है उतना ही याद रखने से हमारा काम हो जाता है। सो टुडे वी आर हियर फॉर लर्निंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस का अंतर था, वैसा ही पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का अंतर है। प्रेजेंट कंटिन्यूस अगर आपको याद है तो उसके अंदर जो कंटिन्यूटी में चीज़ चल रही है प्रेजेंट के अंदर उसको शो करते हैं, और उसके लिए हम बी फॉर्म लेते हैं इज आर एम और उसके साथ में आई एन जी जोड़ देते हैं बिना कोई टाइम को दर्शाए हुए। वी डोंट शो एनी टाइम, कोई भी चीज़ चल रही है जैसे वो खा रहा है, वो सो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो चीज़ जब रुक जाती है तो वो पास्ट कंटिन्यूस में चली जाती है, जैसे वो सो रहा था, वो खा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, मैं सुन रहा था, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो पास्ट कंटिन्यूस में चला जाता है। मतलब प्रेजेंट की क्रिया खत्म होते ही शिफ्ट हो जाता है पास्ट के अंदर, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस बनाना वही हो गया इज आर एम से वाज वर। सेम वे अगर कोई क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में काफ़ी देर से चल रही है या किसी पॉइंट से शुरुआत होकर वो लगातार चल रही है और बंद हो जाती है, बंद होने के बाद में उसकी सिचुएशन बिल्कुल वही बन जाएगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। कैसे, मान लो मैं एक वाक्य बोलता हूँ हिंदी में, वह सवेरे से खेल रहा है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही हैज़ बीन लर्निंग सिंस मॉर्निंग। लेकिन जब उसने खेलना बंद कर दिया और उसके बाद भी मुझे उसके टाइम से रिलेट करके उसको बोलना है, देन आई हैव टू यूज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो वही मैंने दर्शाने की कोशिश की है, ऑलरेडी आई है रिटर्न, मैं लिख के रखा है मैंने, और जिससे कि थोड़ा टाइम बच जाए। तो देखते हैं, सो आज का हेडिंग ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, व्हाट इट डज, करता क्या है। दिस टेंस शो दैट एन एक्शन वाज कंटिन्यूइंग, ये दिखाता है कि एक कार्य चल रहा था फॉर सम ड्यूरेशन इन द पास्ट, कुछ अवधि इससे चल रहा था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बस चल रहा था, उसकी अवधि हमें पता है कि कब से चल रहा था, क्या हो रहा था।
इसीलिए एडवर्ब्स यहाँ पे भी वही है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का था, सिंस एंड फॉर। सिंस के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इट शोज पॉइंट ऑफ द टाइम, फॉर शोज द ड्यूरेशन। पॉइंट ऑफ द टाइम मतलब जैसे कि कोई आपका वॉच टाइम है 10 बजे से, 11 बजे से, 12 बजे से, रात से वगैरह, वैसे सारे पॉइंट में आ जाते हैं ये भी, तो ये सारे पॉइंट में आ जाते हैं, यस्टरडे, कल से। लेकिन फोर का प्रयोग करते हैं ओनली फॉर ड्यूरेशन, जैसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, 5 घंटे से, इवन 30 डेज वगैरह ऐसे दिखाना हो, 1 महीने से, तो वो सब ड्यूरेशन में है। तो उसका ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, तो यू कैन चेक अगेन इफ यू हैव एनी डाउट, यू गो बैक चेक द वीडियोज, बिकॉज सारे वीडियोज आपके पास ही हैं। अब रूल का जहाँ तक है, मैंने यहीं पे आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि हैज हैव को ही शिफ्ट करना है, बाकी सारी चीज़ें वही रहेगी। चलो मैं इसको यहाँ पे हैज हैव लिख के अगर बीन लिख देता हूँ तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, लेकिन हमारा केस आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, इसलिए हैज हैव इज शिफ्टेड टू हैड, बाकी चीज़ें वही है। सो सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर वट एवर वी नीड अकॉर्डिंग टू द टाइम प्लस जो भी टाइम है। तो मैं यहाँ पे और भी आपको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि डिफरेंस क्या है पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, कब हम यूज़ करें पास्ट कंटिन्यूस और कब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करें। दोनों है तो कंटिन्यूस, दोनों ही पास्ट का है। इसमें कोई टाइम अगर नहीं दिखाना है या नहीं दिखाया जाता है तो बिना उसके टाइम के हम पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे बोलना वो खेल रहा था, कब खेल रहा था, कितनी देर से खेल रहा था, कब से खेलना शुरू किया, कब तक खेलता रहा, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन और आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन, या तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है या मैं कोई इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता हूँ। सिंपली आई वॉन्ट टू स्पीक इन पास्ट कंटिन्यूस और आई वॉन्ट टू राइट इन पास्ट कंटिन्यूस। बट इफ़ आई वॉन्ट टू शो टाइम, अगर मैं टाइम को दिखाना चाहता हूँ तो टाइम मेरे पास में जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाएगा। अगर मेरे को ड्यूरेशन शो करना है तो फोर का प्रयोग करेंगे। तो मान लो कि मैंने एक वाक्य इसी को चेंज करके लिखा है, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, इसका मतलब है कि वो 1 घंटे से खेल रहा था, अब तो वो नहीं खेल रहा है, लेकिन जब वो खेलना शुरू किया था उससे मैंने कैलकुलेट कर लिया था कि उसको खेलते हुए 1 घंटा हो गया था। सो दिस चेंजेस एंड दिस डिफरेंस यू मस्ट नो हाउ टू यूज पास्ट कंटिन्यूस, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड यू हैव टू यूज पास्ट कंटिन्यूस, और कब आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की जरूरत पड़ेगी तब आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे वाले जो भी क्लासेस होगी उसके अंदर मैं आप फिलिंग दी ब्लैंक्स भी बताने वाला हूँ, स्पेशली फॉर क्लास 10th 11th के जो छात्र हैं, इवन 8th वाले भी अगर वॉच कर रहे हैं, 9th वाले, उनके लिए भी ये यूजफुल है। जो लोग एकेडमिक्स में हैं उनके लिए तो है ही, दोज आर नॉट इन एकेडमिक्स, सिंपली दे आर नाउ रेस्टिंग एंड दे हैव लेफ्ट द स्टडीज, दे कैन ऑल्सो वॉच द वीडियो, वो भी वीडियो देख सकते हैं, धीमे धीमे अंग्रेजी को सीख सकते हैं। बट अगेन टुडे आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू, अगर आपके पास में वर्ब्स नहीं है, वोकैब आपका वीक है, ये सारे स्ट्रक्चर आपके लिए कोई काम के नहीं है। सो आप लोगों के पास में टाइम है, सो कीप प्रिपेयरिंग वोकैबुलरी पावर, कीप बिल्डिंग और वोकैब। मैं भी यहाँ कोशिश करूँगा कुछ क्लासेस सिर्फ वोकैब के लिए लूँ, आपको समझाऊँ कि कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी मैं थोड़े टेंसेस के स्ट्रक्चर पे चल रहा हूँ, और वो स्ट्रक्चर पूरा होने के बाद में आई होप आई विल बी टेकिंग सम ऑफ द क्लासेस टू शो यू हाउ वोकैब पावर इज सो इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अगर आपके पास में वोकैब पावर अच्छा है तो इवन स्ट्रक्चर आपको इतना नहीं पता है, देन ऑल्सो यू कैन लर्न। विद दैट आई एंड अप दिस, आई होप यू विल वॉच अगेन एंड अगेन, यू लर्न, सो कीप प्रेसिंग अवर लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, इन केस दोज आर वॉचिंग दे मस्ट सब्सक्राइब, वाई बिकॉज देन यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोज ऑटोमेटिकली, आपको ज़्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू फॉर द डे, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।